यहाँ ध्यान दीजिए, क्या पढ़ना हम लोग को? प्रकाश का अपवर्तन। तो जो प्रवर्तनीय घटना थी वो किस पर निर्भर करती थी? अपारदर्शी वस्तुओं पर। लेकिन जो अपवर्तनीय घटना वो किस पर निर्भर करेगी? पारदर्शी वस्तुओं पर। सही है। जरा एक चीज़ यहाँ ध्यान से समझते हैं। जैसे यहाँ देखो, हम एक क्या करते हैं कि एक गिलास लेते हैं, क्या लेते हैं? चालू नहीं रिकॉर्डिंग हुआ, क्या लेते हैं? एक गिलास लेते हैं। हो गया। और एक और गिलास लेते हैं। बाल्टी लग रहा है, किसको बाल्टी लग रहा है? कान बहुत तेज है बाबू, याद रखना चीज। खाली बात कम समझ पाते हैं, ठीक है, मतलब कम समझ पाते हैं, लेकिन सुन जा लेते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें क्या है कि पानी भरा हुआ है। क्या है? ठीक है, उसमें देखो लेजर लाइट देखे हो, बारे भी हो गए। यहाँ देखिए, तो एक एक लड़का क्या करता है? टॉर्च लेकर आता है। क्या लेकर आता है? टॉर्च। और वो टॉर्च को ऐसे लंबवत रख के, मतलब एकदम परपेंडिकुलर रखकर, क्या रख के? परपेंडिकुलर रख के, परपेंडिकुलर रखकर। सही है। प्रकाश किरणों को इसमें छोड़ता है, टॉर्च को ऑन करता है। ये जो किरणें हैं बिल्कुल सीधी जाती हैं, बिल्कुल सीधी जाती हैं। सही है। अब वो लड़का थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाता है, क्या लगाता है? दिमाग। और अब इस टॉर्च को क्या करता है? तिरछा कर देता है। क्या करता है? टॉर्च को करता है ऐसे तिरछा कर दिया। अब जब वो प्रकाश किरणों को यहाँ पे ऐसे छोड़ता है, तो किरणें पानी की सतह पर आने के बाद ऐसे मुड़ जाती है। देख रहे हो, मुड़ गई ना, ठीक। सही है। तो ये पानी कैसा था? पारदर्शी था। कैसा था? पारदर्शी। ठीक है, पानी कैसा था? पारदर्शी था। ठीक है। तो जब किसी पारदर्शी वस्तु से प्रकाश किरणें पार होती हैं, क्या होती हैं? प्रकाश किरणें पार होती हैं तो मुड़ जाती हैं। क्या होती हैं? तो प्रकाश का इस तरह मुड़ना क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सही है, कोई दिक्कत? तो जो मुड़ने की जो घटना है इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। लेकिन यहाँ पे किरणें क्यों नहीं मुड़ी? यहाँ पर तो लंबवत पड़ने वाली किरणों का ना तो परावर्तन होता है ना ही अपवर्तन। अगर हो, सॉरी क्या बोल दिया, लंबवत पड़ने वाली किरणों का जो परावर्तन होता है वो बिल्कुल उसी पथ पर हो जाता है, उसी तरह अपवर्तन भी है, वो बिल्कुल बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। ठीक है। तो अगर प्रकाश किरण 90 डिग्री पर आपतित होंगी, ठीक है, तो उनका परावर्तन जो होगा वो उसी दिशा में हो जाएगा, लेकिन अपवर्तन जब होगा तो बिल्कुल बिना डिफ्लेक्ट हुए, मतलब बिना विचलित हुए क्या हो जाएंगी? सीधे निकल जाएंगे। क्या हो जाएंगी? सीधे निकल जाएंगे। कोई दिक्कत है? समझ में बात। तो ये किरणें लंबवत थी इसलिए इसमें किसी भी तरह का विचलन नहीं हुआ। देखिए, किरणें लंबवत ना तिरछी थी इसलिए इसमें क्या हुआ? प्रकाशीय किरणों का विचलन हुआ। कुछ दिक्कत है? ठीक है, पहुँच रहा है। अब एक बात समझो, इस गिलास, ये पानी हो गया ना, ये पानी के बाहर सब क्या भरा हुआ था? हवा। और हवा के बाद इधर क्या भरा हुआ? यानी यहाँ पे कितने माध्यम हो गए? दो माध्यम हो गए ना। दोनों माध्यम में बताओ मुझे कौन तुमको खाली समझ में आ रहा है कि कौन खाली खाली है? पूरा हवा खाली है ना। और जो खाली खाली होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? वीरान। समझते हो ना, जैसे मान लो गाँव में कोई है नहीं है, तो गाँव क्या बोलेंगे? गाँव पूरा वीरान हो गया, बोलेंगे ना। तो जो एकदम खाली खाली है पूरा, एकदम मतलब पूरा माय खाली खाली है, उसको हम बोलते हैं बीरल। क्या बोलते हैं? बीरल। तो ये हवा जो होगा वो हो जाएगा बीरल माध्यम। ये जो भरा भरा रहता है, नहीं बोलते, एकदम पूरा घन बस्ती है,
कैसी बस्ती है, मतलब घर के ऊपर घर है, तो लोग क्या बोलते हैं, घना बस्ती। क्या बोलते हैं इसको, घना बस्ती। तो इसको हम लोग बोलते हैं सघन। क्या बोलते हैं, सघन। ठीक है, तो अब मुझे बताओ प्रकाश की चाल इसमें ज़्यादा होगी कि इसमें ज़्यादा होगी, चाल बाहर ज़्यादा होगी तो अंदर, क्योंकि अंदर क्या है, घना बस्ती है, चाल कम हो जाएगी। इसीलिए प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण जो किरणें होती हैं वो क्या होती हैं, मुड़ जाती हैं, किरणें मुड़ जाती हैं। कोई दिक्कत है बता दो यहाँ तक, नहीं ना, तो लिखो मना हेडिंग, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन। वो रिफ्रैक्शन था ना, ये रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, हो गया। चलिए तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए कि कोई कोई सिक्का जो है वो किसी बाल्टी में रखा हुआ है, बाल्टी में रखा हुआ, और उस बाल्टी में अगर पानी नहीं है तो आपको सिक्का नहीं, मतलब ऐसे दूर से देखिएगा ना तो सिक्का दिखाई नहीं देगा। ठीक है, ऐसे मान लीजिए कि एक सिक्का है जो इसी में क्या दे, इसका काम ख़त्म हो गया। अब इसको समझते हैं, मान लीजिए कि ये क्या, एक बाल्टी हो गया, क्या हो गया, बाल्टी जो खाली है, जो क्या है, खाली है, और इस बाल्टी में यहाँ पर सिक्का रखा हुआ है। अब अगर कोई आदमी यहाँ से देखेगा, कोई आदमी यहाँ से देखेगा तो इसे सीधे सीधा देखेगा, ऐसे तो क्या उसे, क्या उसे ये सिक्का दिखाई देगा, नहीं देगा ना। अब देखिए, अब क्या करते हैं कि इसी बाल्टी में, इसी बाल्टी में इसी बाल्टी में हम पानी भरते हैं, क्या भरते हैं, पानी भरते हैं। अब जो किरणें यहाँ से जाएंगी पानी से बाहर निकलकर, ठीक, पानी से बाहर निकलकर वो क्या होगी, वो ये किरणें यहाँ से ऐसे मान लो कि किरणें से जा रही हैं, जा रही है, तो यहाँ जाने के बाद वो किरणें क्या हो जाएंगी, यहाँ से ऐसे मुड़ जाएंगी, जा कहाँ रही थी, सीधे, ठीक, ये क्या हो गई, मुड़ गई ना। इस तरह से अब आदमी को क्या होगा, वो सिक्का ठीक है, यानी कि पानी में रखा हुआ सिक्का का दिखाई देना कौन सी घटना है, प्रकाश का अपवर्तन। क्या है, प्रकाश का अपवर्तन, याद रखोगे। इसी तरह पानी में रखा हुआ छड़ी मुड़ा हुआ दिखाई देता है कौन सी घटना है, अपवर्तन। बाल्टी का जो पेंदी होता है वो उठा हुआ दिखाई देता है किसी घटना है, प्रकाश का अपवर्तन। सही है, तो लिखिए पानी में रखा हुआ सिक्का उठा हुआ क्यों प्रतीत होता है, पानी में रखा हुआ सिक्का उठा हुआ क्यों प्रतीत होता है, ठीक है। और आंख को क्या होगा, आंख को भ्रम पैदा हो जाएगा कि सिक्का कहाँ है, ये सिक्का यहाँ है, सिक्का कहाँ है, यहाँ है, वो ये आंख को एक भ्रम पैदा होगा, सिक्का यहाँ जाकर कहाँ दिखाई देगा, यहाँ दिखाई देगा, उठा हुआ दिखाई देगा, देगा ना, पानी में रखा हुआ सिक्का उठा हुआ क्यों दिखाई देता है, पानी में रखा हुआ सिक्का उठा हुआ क्यों दिखाई देता है, हो गया। तो रुको रुको, घर पे देखो जाके, ठीक है, घर पे क्या बोलते हैं,
डिटॉल नहीं होगा, रुई होगा, रुई 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 लेते हैं। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, क्या याद रखेंगे कि जब हम किसी वस्तु को तभी देख सकते हैं, हम किसी वस्तु को तभी देख सकते हैं जब उस वस्तु से प्रकाश की किरण टकराकर कहाँ आती है, हमारी आंखों पर आती है। जब सिक्का बाल्टी में रखा हुआ था तो सिक्का से आने में कोई भी किरण हमारी आंखों तक नहीं आ रही थी, जिसे मैं सिक्का दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जैसे मैं सिक्का में, जैसे मैंने बाल्टी में पानी भरा, अब वो किरणें अपना दिशा बदल कर कहाँ आने लगी, आँख पर आने लगी, जिससे हमें सिक्का क्या हो गया, अपने स्थिति से उठा हुआ दिखाई देने लगा और हमें सिक्का सही सही दिखने लगा। याद रखोगे, क्या याद रखोगे कि हम किसी वस्तु को तभी देख सकते हैं जब उस वस्तु से प्रकाश किरण टकरा कर हमारी आंखों तक आती हैं। लेकिन जब जब बाल्टी में पानी नहीं था तो उस सिक्का से आने सभी किरणें क्या हो जा रही थी, हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पा रही थी। लेकिन जैसे हमने पानी, जैसे हमने बाल्टी में क्या भरा, पानी भरा, तो जो किरणें सिक्का से आ रही थी वो अपनी दिशा को बदल करने के मुड़ कर हमारी आंखों तक आ जा रही थी, इसलिए हमें सिक्का क्या हो रहा था, दिखाई दे रहा था और वो अपनी जगह से थोड़ा सा उठा हुआ दिखाई दे रहा था। कोई दिक्कत, लिखो इस चीज़। ठीक है, जब किसी वस्तु से आंसर लिखो, जब किसी वस्तु से आंसर लिखो, जब किसी वस्तु से प्रकाश की किरणें टकराकर, प्रकाश की किरणें टकराकर हमारी आँखों तक आती हैं तब ही हमें वो वस्तु दिखाई पड़ता है, हमें दिखाई पड़ता है उसका लिखे हो, दिखाई पड़ता है। जब बाल्टी खाली थी तो सिक्का से आने वाली प्रकाश की किरणें हमारी आँखों तक नहीं आ पा रही थी। जिससे सिक्का नहीं दिखाई दे रहा था, जिससे सिक्का नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन जब बाल्टी में पानी भरते हैं, लेकिन जब बाल्टी में पानी भरते हैं तो सिक्का से आने वाली किरणें मुड़कर हमारी आँखों तक आने लगती है, जिससे हमें सिक्का दिखने लगता है, जो कि अपने वास्तविक स्थिति से
जो कि अपने वास्तविक स्थिति से थोड़ा कहाँ होता है, थोड़ा ऊपर होता है। सही है, चलिए ये फोटो नोट कर लीजिए, फोटो नोट कर लीजिए, ठीक है।